गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है 5.17.5, जो कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़, एरर फंक्शन होता क्या है, ठीक है? ये आपका वन मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरर फंक्शन क्या होता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, और डेफिनेशन आपके पास ये है कि किसी का भी अगर आपको एरर फंक्शन निकालना है, से रूट टी का निकालना है ना, तो कैसे लिखोगे? 2/π इंटीग्रेशन साइन 0 to √t, जिसके लिए फाइंड आउट करो लिमिट वहीं तक जाएगी। अब से रूट टी के प्लेस पे अगर आप टी कह दो, एरर फंक्शन ऑफ टी, तो 0 to t हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक? तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 2/π 0 to √t e^(-x²dx, ठीक है? ये होता है एरर फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूट पाई होता है भाई आपका, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या होता है, रूट पाई। तो ये आपका क्या होता है, एरर फंक्शन होता है। इसका लैपलेस फाइंड आउट करना है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2/√π, ठीक है, 0 to √t। आपको एक्सपोनेंशियल ओपन करना आता है, e^(x) अगर होता है, देन 1 + x + x²/2 + x³³³ up to so on। इसी तरह से एक्सपेंड करते हो एक्सपोनेंशियल को। तो यहाँ पे x के प्लेस पे आपका -x² चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 x² + x³ कितनी हो जाएगी, 4/2। नेक्स्ट माइनस x^2 कितना हो जाएगा, 6/3 up to so on। इस तरह से साथ में क्या चल रहा है, dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, 2/√π, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ मैं, 1 यानी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस x² है ना, तो क्या हो जाएगा, x³³ प्लस 4 है तो x⁵5, साथ में 2 आपका चल ही रहा है, माइनस x⁷7, और 3 ऑलरेडी आपका चल रहा है, सो प्लस up to so on। लिमिट्स क्या हैं, 0 से √t। जब आप 0 पुट करेंगे तब तो 0 ही आएगा, और अगर हम रूट टी पुट कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, रूट टी टाइप का, मीन्स सेकेंड वाला जो है वो तो 0 होना ही है। चलो रूट टी पुट करते हैं, x के प्लेस पे रूट टी पुट किया, ठीक, x³ चल रही है, इसका मतलब रूट टी की पावर कितनी हो जाएगी, 3/3, ठीक है। फिर x⁵ है, मीन्स रूट टी की पावर कितनी हो जाएगी, 5/5 × 2, देन रूट टी की पावर कितनी हो जाएगी, 7/7 × 3 प्लस up to so on। ऐसे जाएगा, 0 पुट करोगे तब 0 आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/√π, ठीक है, यहाँ से t^1/2 माइनस, यहाँ बता सकते हो कितना आएगा, लिख दो t^3/2 / 3 प्लस यहाँ कितना आएगा, t^5/2 / 5 × 2। सिमिलरली इधर आ जाएगा माइनस साइन t^7/2 / 7 × 3, ठीक है, यहाँ 2 है आपका, प्लस up to so on। ये आ गया। अब इसका सिंपली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैपलेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें लैपलेस फाइंड आउट करना है एरर फंक्शन का, सो दिस इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ दिस वन, यही आ गया आपके पास। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। तो लैपलेस अगर फाइंड आउट करना है तो 2/√π तो एक कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा। लैपलेस किसका फाइंड आउट करोगे, t^1/2 - t^3/2/3 प्लस t^5/5 × 2 + up to so on। इस तरह से सबसे पहली चीज़, अगर आपको लैपलेस फाइंड आउट करना है t^n का, देखो इंटीजर होता है ना, तब तो आप लिखते हो यहाँ पे क्या कि n^(s^n+1, ध्यान आया? और अगर यहाँ पे n इंटीजर नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, लैपलेस ऑफ t^n, अगर आपका इंटीजर नहीं है तब आप करते हैं γ(n+1), ठीक है, / s^n+1। क्लियर हुई ये चीज़, γ(n+1) / s^n+1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो t^ इंटीजर तो नहीं है, नहीं है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग लैपलेस फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2/√π, ओके, लैपलेस t^1/2, इसका निकालना है γ(1/2) + 1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, तो गामा निकलेगा 3/2 का, और t के प्लेस पे आ जाएगा s^3/2। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आओ, 1/3 तो ऑलरेडी है, इसको तो एज इट इज रखो, t^3/2, तो गामा किसका हो जाएगा, 3/2 + 1 मीन्स 5/2 / s^5/2। नेक्स्ट बता सकते हो, 1/5 × 2 तो एज इट इज रहेगा, क्या आ जाएगा, γ(7/2
डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर 7/2 माइनस अप टू सो ऑन. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/√π. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो गामा 3/2, गामा आपके पास 5/2 है ना, इस तरह से चल रहे हैं. तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. क्या होता है, 3/2 दिया हुआ है तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, 1/2 गामा 1/2. गामा तो सॉल्व करना आता है. गामा ऑफ एन प्लस वन अगर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं एन गामा एन. ठीक है, फिर एन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं एन एन माइनस वन, फिर गामा एन माइनस वन, इस तरह से है ना. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, 1/2 गामा 1/2. नीचे क्या चल रहा है, एस रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1/3. इसको भी सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है, फिर 1/2 और गामा 1/2 डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर 5/2. मतलब एक एक रिड्यूस करके हम लिखते जा रहे हैं इसको. प्लस 1/5 इंटू 2 फैक्टोरियल, 7/2 है ना, तो क्या लिखेंगे, 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2. ये कब तक हम इसमें से 1 लेस करते जाएंगे, जब तक ये 1/2 मीन्स ये जो गामा के अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपके पास. तो 7/2. अब देखो जैसे यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, गामा ऑफ 7/2 है, कैसे करते हैं इसको, एक रिड्यूस करो, इसमें से 1 लेस किया 5/2, इसमें से फिर से 1 लेस करके देखो. यहाँ पे चलो मैंने 5/2 लिख दिया, फिर मैंने चेक किया कि 5/2 गामा 5/2 फिर से लेस किया तो 3/2 आ गया है ना, गामा 3/2. फिर से मैंने लेस किया 1, चेक किया मैंने, नेगेटिव तो नहीं आ रही है वैल्यू, तो 1/2 आ रहा है, तो मैंने लिखा 1/2 गामा 1/2. फिर गामा 1/2 ये अंदर वाली चीज़, इसमें से अगर 1 लेस करोगे ना तो माइनस 1/2 आ रहा है ना, तो माइनस तो हमें लेना नहीं होता, तो हम सिर्फ यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं. तो इसी तरह से मैंने इसको जो है वो सॉल्व किया हुआ है ऊपर. ठीक है, रिजल्ट मैंने जब आपको चैप्टर कराया था तब भी बताया था, तो 2/√π. ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा. एस रेज टू द पावर 3/2, एस रेज टू द पावर 5/2, एस रेज टू द पावर 7/2, कितना कॉमन आ सकता है हाईएस्ट, एस रेज टू द पावर 3/2. ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, 1/2 गामा 1/2. आपको पता है गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π. क्या होती है, √π. तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया √π डिवाइडेड बाई, देखो एस रेज टू द पावर 3/2 था ना, तो अब तो कुछ नहीं है, तो 1 है सिंपल. ठीक है, और साथ में क्या है, 1/2 माइनस, यहाँ क्या लिखोगे, 1/3 एज इट इज था, ऊपर चल रहा था आपका 3/2 इंटू 1/2. ठीक है, गामा 1/2, ये आपको पता है √π होती है इसकी वैल्यू, एस रेज टू द पावर 5/2, 3/2 बाहर चला गया है ना, तो कितना बच गया, एस बच गया. ठीक है, फिर आगे आओ नेक्स्ट पे, प्लस 1/5 इंटू 2 फैक्टोरियल आपके पास ऑलरेडी था इधर, यहाँ से एस की पावर 3/2 बाहर जा चुकी है ना, ऊपर जो बचा है उसको लिख दो पहले, 5/2 3/2 1/2 एज इट इज, ये आ जाएगा √π. और नीचे कितना बचेगा, 7/2 है ना, इसमें से आपकी 3/2 पावर जा चुकी है ना, 3/2 पावर जा चुकी है, तो कितना बचा, एस स्क्वायर, कितना बचा, एस स्क्वायर अप टू सो ऑन. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2/√π. ठीक है, एस रेज टू द पावर 3/2, √π इधर भी है, इधर भी है और यहाँ भी है, इसको बाहर निकालो तो √π, √π से √π कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो बचा है उसको देख लीजिए क्या है. ठीक है, और भी कुछ कॉमन ला सकते हो आप यहाँ से, देखना 1/2 है इधर है ना, यहाँ 1/3 है, 3/2 1/2, 5/2 3/2 1/2, 5/2 और ये √π आपका बाहर आ ही चुका है, तो यहाँ बचा 1/2 माइनस क्या बचा, 1/3 इंटू, इसको लिख दो ऐसे 3/2 और 1/2 है ना, साथ में s चल रहा है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 5/2 3/2 और 1/2, नीचे क्या बच रहा है, 1/5 इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही है और साथ में चल रहा है s स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन. इतना समझ आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास आ गया ये. अब इसको थोड़ा सा और देख लो, 2/s रेज टू द पावर 3/2, 1/2 और कॉमन आ सकता है, इसको बाहर निकालो, 1 माइनस क्या बता, देखो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 जा चुका है, यहाँ से 2 एक चला गया, तो 1/2 एस बचा. ठीक है, आगे आओ यहाँ से देखना, 3/2 देखना, ये 3/2 है और ये आपका क्या है यहाँ पे, 1/2, ये 2 जो है आपका बाहर जा चुका है, तो 3/2 बचा. ठीक है, 1/2 बचा इस तरह से, और साथ में है 1/2, साथ में चल रहा है एस स्क्वायर अप टू सो ऑन.
ठीक, टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, वन बाय एस रेज टू द पावर थ्री बाय टू, एक तो ये बचा। यहाँ देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दूँ वन प्लस वन बाय एस की पावर माइनस वन बाय टू, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो यही आएगा वन माइनस वन बाय टू एस, फिर ऐसे ही थ्री बाय टू वन बाय टू, इस तरह से यही चीज़ें आएंगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि लैपलास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी किसके इक्वल आ गया, वन बाय एस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एंड वन प्लस एस, वन प्लस वन बाय एस पावर माइनस वन बाय टू। ये है आपका आर्टिकल 5.17.5। ठीक है, एग्जाम में वैसे अभी तक आया नहीं है, जस्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। आपका एरर फंक्शन आ जाता है कि एरर फंक्शन क्या है, या फिर आपका मान लो कि टू मार्क्स में आ जाता है कि लैपलास फाइंड आउट करो एरर फंक्शन का, तो आपको इस तरह से इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट भी आप ध्यान रखोगे, कई बार डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज हो जाता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो इसने और सिंप्लीफाई करके कुछ ये वैल्यू दे रखी है, वन बाय एस अंडर रूट एस प्लस वन, तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी वन बाय एस अंडर रूट एस प्लस वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 5.17.5।